हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर क्रूज में। मेरा नाम है शंकर और अभी हम बात कर रहे हैं ऑल न्यू ह्यूंडई एलीट i20 के बारे में। एलीट i20 का अभी आप ये स्पोर्ट्स प्लस टॉप सेलिंग मॉडल देख रहे हैं, जिसके बारे में हम अभी कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। इस वेरियंट के बारे में एलीट i20 के अंदर आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इसमें आपको डीजल और ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं आएगा i20 के अंदर। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो ये अभी आप स्पोर्ट्स प्लस वेरियंट देख रहे हैं, जिसकी 7,36,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस है इस वाले मॉडल की, जिसके अंदर आपको कुछ ऐसी की मिलेगी। इसमें आपको फ्लिप की मिलती है, जिसमें होंडा का लोगो है पीछे और कुछ ऐसा डिज़ाइन है की का। यहाँ पर लॉक के बटन है या अनलॉक का बटन है और बूट खोलने का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलता है नीचे की तरफ। काफ़ी स्टाइलिश एक की लगती है और लॉक अनलॉक करने पर इसकी हॉर्न जो है बजती रहती है i20 की। अपने सेगमेंट की काफ़ी फीचर लोडेड और टॉप सेलिंग कार है एलीट i20। अभी आप ये वाइट कलर में देख रहे हैं, टोटल 5 कलर्स के ऑप्शन आपको मिलते हैं और ब्लैक रूफ का भी ऑप्शन आता है i20 के अंदर। सामने से कुछ ऐसा डिज़ाइन है इसका, सामने की तरफ जो आपको इसमें हैलोजन हेडलाइट्स यहाँ पर देखने मिलते हैं और साइड में इसमें टर्न इंडिकेटर्स आते हैं। नीचे की तरफ ये फॉग लाइट्स आपको यहाँ पर इसके देखने मिलते हैं और फॉग लाइट्स के नीचे डे टाइम रनिंग लाइट्स आती है DRLs। फ्रंट की जो ग्रिल है कुछ ऐसा डिज़ाइन है पूरा, ये फुल ब्लैक कलर फिनिश के अंदर आती है। कैस्केड डिज़ाइन ग्रिल है, यहाँ पर एक क्रोम फिनिश है ग्रिल के साइड में। कुछ ऐसा पूरा डिज़ाइन आपको एलीट i20 का सामने की तरफ से यहाँ पर देखने मिलता है। हुंडई का लोगो है, काफ़ी स्पोर्टी और अट्रैक्टिव इसके लुक से सामने की तरफ से, काफ़ी मॉडर्न आपको डिज़ाइन मिलता है i20 के ऊपर। आइए अब इसका फ्रंट का बोनेट जो है खोलकर देखते हैं। आपको इसके अंदर एक ही इंजन का ऑप्शन मिलता है, पेट्रोल इंजन का, और ये है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर BS6 कंप्लाइंट पेट्रोल इंजन आप ये देख रहे हैं अभी, जिसकी 83 BHP की पावर है, 117 Nm का टॉर्क है, 18 का एवरेज आपको मिलेगा पेट्रोल के अंदर, 170 की इसकी टॉप स्पीड है एलीट i20 की। और यहाँ से जो है आप वाइपर्स के लिए पानी भरवा सकते हैं। इस तरफ ये बैटरी कंपार्टमेंट आपको देखने मिलेगा और आइए अब इसका बोनेट जो है क्लोज करते हैं। BS6 कंप्लाइंट इंजन है ये, 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर्स तक की आपको वारंटी मिलती है i20 के ऊपर। 3 साल का रोड साइड असिस्टेंस भी आपको मिलेगा। साइड ऊपर की तरफ ये वाइपर्स है, साइड में इसमें इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ओवरबियम्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टर्न इंडिकेटर्स है और लॉक अनलॉक करने पर ये फोल्ड भी होते रहते हैं कुछ इस प्रकार, फोल्डेबल ओवरबियम्स है। और यहाँ पर जो आपको 15 इंच के गन मेटल अलॉय व्हील्स मिलते हैं स्पोर्ट्स वेरियंट के अंदर, ग्रे कलर फिनिश के ऊपर। ऊपर की तरफ ये मैक पोर्शन स्टड्स है स्टेबलाइजर बार के साथ और कुछ ऐसा साइड लुक i20 का आपको यहाँ पर देखने मिलता है। कुछ ऐसा साइड लुक है i20 का। सेफ्टी की अगर बात की जाए तो i20 के अंदर आपको ABS विथ EBD, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, स्मार्ट पेडल्स, एंटी थ्रिफ्ट डिवाइस, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक्स। और इस वाले वेरिएंट में आपको 2 एयरबैग्स मिलती है, जो टॉप मॉडल आता है उसके अंदर टोटल 6 एयरबैग्स आती है। स्पोर्ट्स वेरियंट्स में 2 एयरबैग्स आती है। ऊपर की तरफ ये हाई माउंट स्टॉप लाइट है, एंटीना है, यहाँ पर ये स्टॉप लाइट है। और पीछे की तरफ जो है कुछ ऐसे टेल लैंप्स इसमें आते हैं, इसमें LED टेल लैंप्स आते हैं पीछे, 10 इंडिकेटर्स है। i20 के यहाँ पर बैजिंग है और हुंडई का लोगो है यहाँ पर। पीछे की तरफ इसमें पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, रिफ्लेक्टर्स है पीछे और कुछ ऐसा पूरा साइड लुक है पीछे से। आइए अब इसका पीछे का टेलगेट जो है ओपन करके देखते हैं। आप इसे की से अनलॉक कर सकते हैं और बटन जो है इसका यहाँ पर आता है, इसे अनलॉक करते हैं और यहाँ पर इसका बटन आएगा। और कैमरा जो है आपको इस तरफ ये देखने मिलता है, नीचे की तरफ रिवर्स कैमरा भी आपको मिलता है i20 के अंदर। पीछे की तरफ जो है इसमें ऊपर की तरफ पार्सल ट्रे है यहाँ पर और 285 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलता है पीछे की तरफ। इसके अंदर आपको स्पेयर व्हील और टूल किट मिलती है और फोल्डेबल सीट्स आपको मिलती है पीछे की तरफ। आप इन सीट्स को जो है फोल्ड भी कर सकते हैं, इससे लीवर को खींच के फोल्ड करने पर काफ़ी बड़ा स्पेस जो है पीछे की तरफ बन जाएगा कुछ इस तरीके से। आप इन्हें फोल्ड कर सकते हो और इसका ट्रे भी आप निकाल सकते हो, इस पार्सल ट्रे को ऐसे ऐसे निकाल देते हो और नीचे की तरफ रख देते और काफ़ी स्पेस जो है आपको फोल्ड करने पर यहाँ पर बन जाएगी। अगर आपको सामान को काफ़ी ज़्यादा सामान को लाना ले जाना हो तो कुछ इस प्रकार आप इन्हें फोल्ड कर सकते हो, काफ़ी स्पेस है। और आइए भी इसे फिर से लगा देते इन सीट्स को, कुछ इस प्रकार आप इसे लगा सकते हैं और ट्रे को भी आप यहाँ पर लगा सकते हो कुछ इस प्रकार। ये इसके हुक्स है, ऊपर की तरफ इसे लगा देते
और कुछ इस तरीके से जो है आप इसे लगा सकते हो। और आइए अब इसका टेलगेट जो है बंद करते हैं और चलते साइड में। यहाँ पर ये रिवर्स कैमरा है लोगो के नीचे और कुछ ऐसा साइड लुक है इलीट i20 का, काफ़ी स्पोर्टी इसके लुक से पीछे की तरफ से। और 3.9 मीटर इसकी पूरी लेंथ है पीछे से लेके सामने की तरफ तक। पिलर्स के ऊपर आपको यहाँ पर ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी स्टाइलिश लुक देती है। ऊपर की तरफ एंटीना आता है और पीछे के जो टायर्स है इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। सामने की तरफ इसमें जो है डिस्क ब्रेक्स आते हैं। और आइए अब ड्राइवर साइड डोर जो है खोल कर देखते हैं। कुछ ऐसा डिज़ाइन आपको ड्राइवर साइड डोर का यहाँ पर देखने को मिलता है। डुअल टोन कलर फिनिश है ड्राइवर साइड डोर के ऊपर। ऊपर की तरफ ये ट्विटर्स है प्रीमियम, इसमें डोर हैंडल्स आते हैं सिल्वर फिनिश के अंदर। और ओवर बी एम्स के रिलेटेड यहाँ पर कंट्रोल्स है, आप यहाँ से फोल्ड कर सकते हो ओवर बी एम्स को इस बटन के जरिए, यहाँ से लेवल एडजस्ट कर सकते हो। और पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स है, वन टच पावर विंडो है ड्राइवर साइड। स्पीकर से और बॉटल होल्डर है, 8 स्पीकर्स का इसमें म्यूजिक सिस्टम आता है। कुछ ऐसा फ्रंट डैशबोर्ड है जो कि काफ़ी स्टाइलिश लगता है अंदर की तरफ से। सीट्स भी काफ़ी प्रीमियम ही लगती हैं, इसमें आपको फैब्रिक सीट्स मिलती है। इन सीट्स को आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं। और डुअल टोन फिनिश के अंदर ये फैब्रिक सीट्स आती है। कुछ ऐसा डिज़ाइन है सीट्स के ऊपर। और यहाँ से आप फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से फ्रंट बोनेट को खोल सकते हो। ये फ्यूज़ बॉक्स है अंदर की तरफ। और यहाँ से हेडलाइट्स के ऊपर लेवल जो है ऊपर या नीचे कर सकते हो। सेंटर में कुछ ऐसे ऐसे वेंट्स आते हैं। आइए अब अंदर बैठते हैं और इसे स्टार्ट करके देखते हैं। फ्लिप की आती है इलीट i20 के अंदर, इस स्पोर्ट्स वेरियंट के अंदर। और कुछ ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, कुछ ऐसा व्यू आपको दिखता है अंदर की तरफ से इलीट i20 का। काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है सामने की तरफ। और कुछ ऐसा स्टेरिंग व्हील है, काफ़ी सारे बटन्स आता है स्टेरिंग व्हील के ऊपर। अंदर की तरफ ये एनालॉग आरपीएम मीटर है, एनालॉग स्पीडोमीटर है, डिजिटल एमआईडी को आप इन बटनों के जरिए कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर ये डिजिटल एमआईडी के बटन्स आते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे फीचर ही शो करेगा। टेम्परेचर दिखाएगा, डिजिटल स्पीड दिखाएगा, फ्यूल लेवल, ट्रिप मीटर, किलोमीटर, डोर अगर ओपन है तो ये भी दिखाएगा, बूट ओपन है तो भी ये दिखाएगा। और इस तरफ काफ़ी सारे बटन है स्टेरिंग व्हील के ऊपर। ये वाइपर्स के कंट्रोल है, इस तरफ ये फ्रंट हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स है। और इस तरफ ये सभी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के रिलेटेड कंट्रोल्स देखने मिलते हैं। वॉल्यूम के बटन से, फ़ोन को उठाने के और काटने के बटन से। इस तरफ आपको MID के कंट्रोल्स मिलते हैं अंदर के। कुछ ऐसे हॉर्न है i20 की। ऊपर की तरफ कुछ ऐसा डैशबोर्ड का डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने मिलता है। ये लॉक अनलॉक के बटन से, हेजर लाइट्स के यहाँ पर बटन्स आते हैं। और एसी वेंट्स का डिज़ाइन जो है कुछ ऐसा आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। और इसके अंदर जो आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है i20 के अंदर, जिसमें 4 स्पीकर्स है, 4 ट्विटर्स आते हैं, टोटल 8 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम है इसके अंदर। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ और मिरर लिंक भी ये सपोर्ट करेगा। ये साउंड्स के कंट्रोल है सभी, आप पोजीशन को सेट कर सकते हैं। ये इकोलाइजर्स के कंट्रोल्स है, ये नेविगेशन, वॉल्यूम, एडवांस सेटिंग के कंट्रोल्स है यहाँ पर सभी, जैसे आप इसे कंट्रोल कर सकते हो सेटिंग्स को। ये डिस्प्ले सेटिंग है, आप ब्राइटनेस को जो है ऑटोमेटिक पर भी सेट कर सकते हो। काफ़ी सारे एप्लीकेशन इसके अंदर आती है, मिरर लिंक, आर्केमिथ साउंड है और iBlue ऑडियो रिमोट एप्लीकेशन भी आपको मिलेगा इसमें। ये टाइम और डेट्स के कंट्रोल है इसके अंदर। ये स्क्रीन सेवर है, यानी कि आप डिजिटल क्लॉक और एनालॉग क्लॉक को भी रख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर सभी ट्यून के कंट्रोल्स है, वॉल्यूम के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं सभी। और नीचे की तरफ जो है आपको सभी एसी के रिलेटेड यहाँ पर कंट्रोल्स मिलते हैं। मैनुअल आपको एसी मिलती है इस वेरियंट के अंदर, सभी एसी के रिलेटेड कंट्रोल्स है। और अंदर की तरफ जो इसमें 12V का चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर देखने मिलता है। यह 12V का चार्जिंग पोर्ट है, ऑक्स के पोर्ट है, USB का पोर्ट है और USB चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पर। अंदर थोड़ी स्पेस है और 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है इसके अंदर, ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं आता है i20 के अंदर। अब कप होल्डर से नीचे की तरफ, और आपको इसमें स्लाइडिंग हैंडरेस्ट मिलता है यहाँ पर, जिसके अंदर आपको थोड़ी स्पेस भी मिलेगी। सॉफ्ट टच फिनिश आती है इसके ऊपर। कुछ ऐसा डिज़ाइन है फ्रंट डैशबोर्ड का, डुअल टोन कलर फिनिश है। और अंदर की तरफ जो आपको इसमें ग्लोबॉक्स के अंदर भी थोड़ी स्पेस मिलती है,
इसमें आपको कूलिंग का सिस्टम मिलता है, जहाँ पर आप अपनी पानी के बॉटल वगैरह रख सकते हैं, ड्रिंक्स वगैरह को रख सकते हैं कूल होने के लिए। ऊपर की तरफ ये डे नाइट रियर व्यू मिरर आपको मिलता है इसमें। ये सनग्लास होल्डर है और लाइट्स के कंट्रोल आते हैं सभी यहाँ पर, ये लाइट्स के कंट्रोल से। ये पैसेंजर साइड वैनिटी है जिसके अंदर आपको मिरर भी मिलेगा। इस तरफ ये ड्राइवर साइड वैनिटी है जिसके अंदर मिरर नहीं आता है। और यहाँ पर जो आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे में आप जो है स्टेयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे भी होगा। ये भी इसे बंद करते हो चलते पीछे की सीट्स पर, देखते कितनी स्पेस वहाँ पर अवेलेबल है। आइए अब पीछे का जो पैसेंजर साइड डोर है उसे खोल कर देखते हैं। कुछ ऐसा डिज़ाइन आपको पैसेंजर साइड डोर के ऊपर इसमें देखने मिलता है। इसमें ट्विटर साथ है, प्रीमियम डोर हैंडल्स है और नीचे की तरफ ये पावर विंडोज के कंट्रोल्स है। नीचे स्पीकर है और बॉटल होल्डर है। कुछ ऐसा डिज़ाइन है पीछे के सीट्स का, फुल फैब्रिक इसमें सीट्स आती है डुअल टोन कलर फिनिश के अंदर। और इन सीट्स को जो है आप इस लीवर के जरिए फोल्ड कर सकते हो, इसे आप अगर ऊपर करते हो तो ये फोल्ड हो जाएगी। आइए अब अंदर बैठते हैं। और काफ़ी कंफर्टेबल स्पेस आपको मिलती है i20 के अंदर। कंफर्टेबली आप यहाँ पर 3 लोग बैठ सकते हो। यहाँ पर ऐसे के वेंट्स में आपको मिलते हैं पीछे की तरफ, पीछे के जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए। पीछे इसमें फिक्स्ड हेडरेस्ट आते हैं 2, पार्सल ट्रे पीछे, और ऊपर की तरफ ये लाइट्स के सभी कंट्रोल्स हैं। कुछ ऐसा व्यू आपको दिखता है फ्रंट डैशबोर्ड का पीछे की तरफ से। और आइए अब चलते हैं इस बाहर की तरफ। और कैसे लगी दोस्तों आपको इलीट i20 का ये स्पोर्ट्स प्लस वेरिएंट, आप बताइए हमें नीचे कमेंट्स में। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो जो है मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।